Viewers, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी टू स्टेप्स जिसको यूज करने के बाद आपका कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा बहुत ही क्लियर एंड वाइट। इसके अलावा ये आपको हेल्प करेगा एक्ने को रिमूव करने में, ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने में और आपकी डल स्किन को ब्राइट करने में। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्किन व्हाइटनिंग के लिए मैं आपको बताऊंगी दो चीजें। स्टेप नंबर वन, जूस विच यू हैव टू ड्रिंक डेली। इस जूस को बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, सबसे पहले हमें चाहिए 3 ड्राइड फिग्स जिसे हम अंजीर भी कहते हैं। 3 अंजीर को हम 1 ग्लास पानी में पूरी रात के लिए भिगो के रख देंगे और उसके बाद हम शामिल करेंगे 1 छोटे साइज का बीटरूट जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं और सबसे लास्ट में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और हमारा यम्मी ड्रिंक हो गया बिल्कुल रेडी। इस ड्रिंक को आपने 15 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट लेना और उसके बाद अपना रेगुलर ब्रेकफास्ट करना है। इस ड्रिंक को आप रेफ्रिजरेट में प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, इसलिए आपको ये ड्रिंक डेली फ्रेश बनाना है। इस मास्क को बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लोर जिसे हम चावल का आटा भी कहते हैं। उसके बाद हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल होता है और फिर हमें चाहिए 1 पिंच ऑफ हल्दी और उसके बाद उन सारे इंग्रेडिएंट्स में हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। सबसे लास्ट में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ऑफ ग्राम फ्लोर जिसे हम बेसन भी कहते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक क्लीन बाउल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। ड्राई होने के बाद अपना फेस ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे और अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। इन 2 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद 2 से 3 हफ्तों में आपका कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा बहुत ही ब्राइट एंड फेयर। ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि बहुत सारे टिप्स से भरपूर थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी।